जब कोरोना से युद्ध आरंभिक अवस्था में था जी, तब से लेके आज तक कम से कम 5-7 बार भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जो चिकित्सा जगत है ये देश उसका आभारी है, वो योद्धा हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहा, बिल्कुल अग्रिम पंक्ति के योद्धा, और इस देश ने बड़ा कृतज्ञता का भाव रखा है डॉक्टर्स के लिए। इस दौरान उन्होंने तपस्या की है और वो परिस्थिति तब बनी जब भारत इस ढंग के संक्रमण के लिए तैयार नहीं था। हमारे पास न तो उपकरण थे बचाव के, पीपीई किट जैसी चीजें बनती ही नहीं थी भारत में जी, मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर ये कहां भारत के अभ्यास में था। तब भी डॉक्टर जूझे, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। और ये दौर डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा लिखाने का है क्या? ये दौर डॉक्टर्स के सम्मान का है, उनके खिलाफ मुकदमाबाजी करने का नहीं। और मुश्किल ये है कि जो कलेक्टर्स हैं ना जी, वो आज भी इस मानसिकता से नहीं ऊपर उठ पाए जो अंग्रेजों के समय आई थी कि हम जिले लाई हैं, जिले के मालिक हैं। एक मसला और आया था उत्तर प्रदेश में, वहां के कलेक्टर ने सीएमओ को गधा बधा कुछ बोल दिया था, बोला तुमको चप्पल से मारूंगा, बरेली या पता नहीं कहां, ये भाव है क्या? इसलिए आज हम भी बहस लेकर आए जो लड़ रहे देश के लिए। आज डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं ये वैसे उतना ही प्रशंसा का कार्य है, सम्मान का कार्य है, जो काम सीमा पर हमारा जवान कर रहा है वो भी जान हथेली पर लिए है, और अस्पताल में लैब में डॉक्टर भी जान हथेली पर लिए है। बाकी सब लोग तो वेबिनार से काम चला लेंगे, डॉक्टर का काम वेबिनार से नहीं चलता, उसको तो मरीज के पास जाना पड़ेगा, इसलिए उसका संकट बड़ा है। ये कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है डॉक्टर्स को, ये क्यों लग रहा है उत्तराखंड में कि हमारे साथ सेकंड ग्रेड सिटीजन का व्यवहार हो रहा, कुत्ते जैसा व्यवहार हो रहा, ये शब्द मैं सुन रहा था।